बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। कश्यप पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। उन पर बिहार के प्रवासी मजदूरों पर हमले का फेक वीडियो और खबर वायरल करने का आरोप है। लेकिन इससे पहले भी मनीष कश्यप विवादों से जुड़े रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं रितिका शर्मा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश क्राइम सीन। यूट्यूबर मनीष कश्यप पिछले कुछ वर्षों से लगातार विवादों में रहे हैं। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा आतंकी हमले के बाद बिहार की राजधानी पटना में कश्मीरी दुकानदारों पर हमला किया गया था। करीब 20 युवाओं ने लाठी डंडों से पटना के लहसा मार्केट में कश्मीरी दुकानदारों को पीटा था। हमलावरों ने दुकानदारों को कश्मीर लौटने की धमकी दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार पुलिस ने इस मामले में मनीष कश्यप को गिरफ्तार किया था। इसी के साथ मनीष कश्यप ने सोशल मीडिया के जरिए राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों से किंग एडवर्ड 7 की मूर्ति तोड़ने की अपील की थी। यह मूर्ति पश्चिमी चंपारण जिले में महारानी जानकी कुंवर अस्पताल परिसर में स्थित है। कश्यप की अपील के बाद मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया था। इसके बाद पश्चिमी चंपारण के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर में मनीष कश्यप और अन्य 21 लोगों को आरोपी बताया गया था। मनीष कश्यप अपने पॉपुलिस्ट विचारों और धार्मिक कट्टरता से भरे ट्वीट के कारण अक्सर चर्चा में रहते हैं। उनके मुस्लिम विरोधी ट्वीट्स की लिस्ट लंबी है। वह भारत को हिंदुओं का देश बताते हैं, शरणार्थियों को जिहादियों की टोली कहते हैं। त्रिपुरारी तिवारी उर्फ मनीष कश्यप बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के डुमरी महनवा गाँव निवासी है। वह सच तक न्यूज नाम से यूट्यूब चैनल चलाते हैं। सोशल मीडिया पर उनके हजारों फॉलोअर्स हैं। तो यह थी मनीष कश्यप की विवादों से जुड़ी कहानी। अभी के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे किसी अन्य क्राइम जगत से जुड़ी कहानी के साथ।